धीरज यादव बीकॉम ग्रेजुएट। पंकज बेटा यार तुम फिर उठ के बैठ गए। बेटा क्या खिलाए, कुछ नहीं है घर में खाने के लिए। पापा भी देखो 4 दिन से नाखून चबा रहे हैं। माफ कर। जस्ट व्हेन एवरीवन थॉट कि 2020 जैसा मनहूस साल अब बीत चुका है और अब होपफुली सब सही होगा, बट देन वन फाइन मॉर्निंग आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्टेप्स अप टू एड्रेस द नेशन। दैट वेरी डे मोदी जी केम आउट अ मेल फेमिनिस्ट। वो एक्चुअली अ फ्यू डेज प्रायर मोदी जी स्टम्बल्ड अपॉन अ ट्वीट व्हिच वाज समथिंग लाइक मेन शुड हैव कर्फ्यूज So women can go out at night, माँ की चूत। मोदी जी उस दिन इसी ट्वीट पे बात करने आए थे। कुछ लोगों को ये ट्वीट मजाक लग रहा था, and some said that why is in this a law already? 5 बजे के बाद हिंदुस्तान में मर्द प्रजाति के जितने भी उम्र के लोग दिखते हैं उनको आप घर से बाहर निकलना बंद कर दीजिए। Later, the government imposed night curfew for men, which no one shall defy. हर रोज 8 बजे के बाद मर्दों के लिए घर से बाहर की दुनिया खत्म हो गई थी। Families were shattered. Those who questioned were lashed. The world outside had its own rules, and those rules were not human. धीरज यादव बीकॉम ग्रेजुएट कानपुर यूनिवर्सिटी। पेशे से तो मैं कानपुर में ही ऑटो चलाने का काम करता हूँ, करता था, लेकिन अब मुझसे मेरी रोजी रोटी छीन ली गई है। वो एक कुतिया मेरा ऑटो का चाबी लेके भाग गई। मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। ये जब से मोदी जी ने ये फेमिनिस्ट लोगों का बात में आके मर्दों का बैन कर दिया है 8 बजे के बाद निकलना, तब से सब बदल गया है। एंड मोदी जी का भी गलती नहीं है, लेकिन ये चूची मेक्स यू मैड ब्रो। मोदी जी हर हर मोदी घर घर मोदी। गलत किया। मैं अपना ऑटो रात को चलाता हूँ, 6-7 बजे घर से लेके निकलता हूँ, क्योंकि दिन में मेरे को अपना ये छोटा सा घर चलाना होता है। मेरी पत्नी उसको घर का काम करना पसंद नहीं है, और मेरा छोटा सा बच्चा भी है, छोटा है अभी, तो उसकी देखभाल भी मैं ही करता हूँ। तो आई एम अ हाउस मेकर एज वेल। लेकिन जब से ये कर्फ्यू लगवा दिया है मोदी जी ने 8 बजे के बाद से, तो ना मैं अपना घर देख पा रहा हूँ और ना मैं अपना काम सही से देख पा रहा हूँ, और ये सब बस एक लौड़े के ट्वीट के कारण। और इसकी भी न्यूज़ आई है अभी दो चार दिन पहले कि जिम के सामने से निकल रहा था 9 बजे, इसको 4 लड़की ने घेर के एक एक लात मारा है। आज की डेट में बैठ के मूटता है ये जोशी भाजो, बैठ के मूटना पड़ता है इसको। देखिए इसका 100 दिस ऑन इंस्टाग्राम, नेवर सॉ समथिंग सो ग्रे। तू मदर चोर, तू बैठ के मूटता है नीचे, देख एक बार नीचे। भाइयों मेरा आज का ये वीडियो बनाने का भी यही मकसद है कि जो हमारे ये जेंडर को अप्रेस किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ क्रांति लहर छेड़ सकूं। कि मैं ऑटो का अपना बता रहा था, तो 4 रोज़ पहले मैं अपना ऑटो लेके निकला था, शाम हो गई थी और मेरे को समय का उतना आइडिया नहीं था। तो एक सुनसान सी सड़क में मेरे को एक महिला मिलती है। मैंने बोला बहन जी मैं छोड़ दूँ आपको, बताइए कहाँ जाना है। और मेरा समय पे मेरा ध्यान नहीं था, 8:05 हो गए थे। बहन जी बताइए कहाँ जाना है। तो वो औरत, वो कुतिया मेरी तरफ देखती है, मैं बहन जी बोल रहा हूँ, तब भी उसने ऐसा झपट्टा मारा है मेरी छाती में, मेरे 1, 2, 3, 4 मेरे 4 बटन टूट के गिर गए थे, और बटन आज तक नहीं मिले मेरा, वो बटन चले गए। लेकिन वो महिला तब भी जानवर जैसे झपट्टा मारे, मैं बोल रहा हूँ बहन जी मत करिए, उसने एक नहीं सुनी। लेकिन फिर मैं भी मानता हूँ कि धीरज यादव में अभी भी थोड़ी मर्दानगी बची हुई है, मेरे अंदर का शेर जागा, मैंने भी अपनी इज्जत बचाई वहां से और मैं निकला वहां से। नहीं बहन जी मेरा बेटा पंकज मेरा घर में इंतजार कर रहा है, ऑटो की चाबी ले लीजिए। और मैं अंदर से औरत ही हूँ, मैं पूरा औरत हूँ। देखिए मैं ब्रा भी पहनता हूँ, ये देखिए मैं ब्रा पहनता हूँ, बीवी से बड़ा साइज। हाँ अब आज के समय में सारे मर्द पहनते हैं, अच्छा लगता है, सपोर्ट मिलता है, सब पहन नॉर्मल है अभी। लेकिन अगर आपको यह अजीब लग रहा है तब तो आप कुछ जानते ही नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे देश में इस समय। भाइयों आपको और मुझे, हम जैसे मर्दों को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी।
ये मोदी जी ये फेमिनिस्ट लोगों का बात में आके उनका सारा मांग पूरा कर रहे हैं धीरे धीरे। ये मर्दों को मिटाना चाहते हैं ये मोदी जी, अब एक एक करके सारे आदमी लोग का वसेक्टोमी करवा रहे हैं, नसबंदी लेते हैं आदमी का पकड़ के अंदर से कोई पाइप काट देते हैं एक दो, मेरा लगता है ज़्यादा कट गया है, थोड़ा दर्द होता है। और ऊपर से जो हमारी पत्नी है सालू जी, उनको अब एक बेटी चाहिए थी क्योंकि हमारा लड़का जो पंकज उनको पसंद नहीं था, बोलती इसका चेहरा हमको नहीं पसंद। अब हम क्या करते, वो तो यादव है बेटी चोद, सालू जी ने बोला कि तुम हमको सच्चे मन से प्यार करो तो हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और हो भी गई हैं, हो भी गई हैं, चौथा महीना है अभी उनका। अब मैं आपसे क्या छुपाऊं, मुझे पता है शालू जी के बारे में, मुझे पता है उनकी हरकतों के बारे में, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, पूरी दुनिया ही ऐसी हो गई है। मुझे बस इस बात का डर रहता है कि शालू जी कहीं मुझे या पंकज को नुकसान ना पहुंचा दे। पंकज तो बहुत डरता है अपनी माँ से, एक बार पैर का बाल देख लिया था, मूत निकल आया था बेचारे का। जाग गए पंकज बेटा। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंकज शालू जी से ज़्यादा मुझको अपनी माँ समझता है, दूध भी मेरा ही पीता है। आ जा, नहीं अब नॉर्मल है, अब सारे आदमी पिलाते हैं बच्चों को दूध, नॉर्मल है। भाइयों मेरा ये मानना है कि मुझ में अभी भी थोड़ी मर्दानगी बची हुई है, और मुझे आशा है कि आप में भी बची होगी। यही समय है आपका और मेरे आवाज ऊपर। कुछ नहीं सालू जी, पंकज जा गया, आप यहां मत आइएगा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि इस लौड़े को ये ट्वीट करके क्या मिला, हमारी सबकी जिंदगी खराब होगी, इसको क्या मिला, आज बैठ के मुकता है ये, इसने ये ट्वीट किया, इसको ये। भाइयों मेरा ये मानना है कि आज हमारी बहन बेटियां इस समाज में घुट घुट के जीती हैं, और उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और चूची मेक्स यू मैड ब्रो मोदी जी।